आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। अगर हम एटम्स की एंड मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल बिहेवियर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़े जाते हैं, तो उस ब्रांच को बोला जाता है केमिस्ट्री। इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन भी है, द थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, मैं लिखा देता हूँ, एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर कंपोजिशन प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ मैटर। ये मैटर आप कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं, इज नोन एज केमिस्ट्री। तो क्लास 10th में आपको केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस किसको बोला जाता है, कैसे आप पता लगाओगे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। तो सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उस सारे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, एनी प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होंगी तो आप उनको केमिकल रिएक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में, चलिए इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन के लिए, H2 प्लस O2 इज फॉर्म H2O। जो आपका बच्चों यहाँ पे H2 होता है वो आपका गैसीय स्टेट में होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो भी आपका गैसीय स्टेट में होता है, एंड जो आपका वाटर फॉर्म होता है, तो H2 जो आपका गैसीय स्टेट में था, O2 वो भी आपका गैसीय स्टेट में था, दोनों मिलकर आपके H2O बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी इसके रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो आपका H2 होता है एंड O2 होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमको पता है कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन आपका गैस स्टेट में होता है, एंड CO2 आपका गैस होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन के अंडर आते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड,
रेस्पिरेशन एंड मैनी मोर। तो बच्चों ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो भी आपके केमिकल रिएक्शन के अंडर आते हैं, और जो दो एग्जाम्पल हमने ऊपर स्टडी करें वो भी आपके केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने पढ़ा भी केमिकल रिएक्शन, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे आप किसी भी प्रोसेस को देखकर बताओगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे आप किसी प्रोसेस को बताओगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, वेदर इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन और नॉट, तो उसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं और सिंपल से ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये टॉपिक करा देता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, तो इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। जो फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन आपको देखनी है वो है चेंज इन स्टेट। अगर आपका मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है ड्यूरिंग एनी प्रोसेस तो मे बी वहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी ड्यूरिंग एनी प्रोसेस अगर वहाँ पे आपका गैस लिब्रेट होती है, गैस निकलती है, तो वो आपका होगा केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों टाइप की होती हैं, तो अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होगा तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा। और एक होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये जो वर्ड आपका प्रेसिपिटेट है या आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। जब तक मैं आपके लिए बता दूं, प्रेसिपिटेट आपका एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है, जो आपका किसी भी सॉल्यूशन को कलर प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, फॉर्म कलर इन द सॉल्यूशन। ये कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस है जिनके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि आपकी केमिकल रिएक्शंस हुई है या आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, ये तो बात करी हमने केमिकल रिएक्शन की। अगर बात की जाए केमिकल इक्वेशंस की, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन, तो जैसे आपको पता है कि जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे आप वेरिएबल को मानते हो और उनसे इक्वेशन को ड्राइव करते हो। सेम जैसे मैथ्स में आप इक्वेशन ड्राइव करते हो, साइंस में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के कुछ सिंबल होते हैं जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, तो ये आपके सिंबल्स होते हैं। अगर आप इनकी हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हो तो उसको बोला जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो केमिकल रिएक्शन आपका, अगर आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो केमिकल इक्वेशन आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट करते हैं उनको उनकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ,
हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म वाटर। तो ये जो आपका हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म वाटर होता है, ये आपकी वर्ड फॉर्म है। तो मैंने अभी बताया जो वर्ड फॉर्म होती है उसको बोला जाता है आपका केमिकल रिएक्शन। बट इसी वर्ड फॉर्म को अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कर दूं, जैसे हाइड्रोजन गैस का सिंबल मैंने आपको ये बताया था वो होता है H2, ऑक्सीजन गैस का आपका सिंबल होता है O2, और इनसे मिलकर जो आपका वाटर बनता है वो होता है आपका H2O। तो जो हाइड्रोजन गैस का आपका सिंबल होता है वो होता है आपका H2, जो ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है वो होता है O2, और जो वाटर का सिंबल होता है वो होता है आपका H2O। तो ये हो जाएगी आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम और एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, तो हम और एग्जांपल की बात करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का जो आपका सिंबल होता है वो होता है आपका Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए आप यूज करते हो O2, और ये आपका फॉर्म करेंगे MgO। दिस इज योर केमिकल इक्वेशन, एंड जो हमने ऊपर कराई है वो आपको क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन, और ये आपका वर्ड फॉर्म हो जाएगा, वर्ड फॉर्म। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में ही आगे, तो केमिकल रिएक्शन के लिए आपको कुछ टर्म्स को जानने की बहुत ज़रूरत है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में यूजफुल है, ठीक है, या फिर अगर आप ये भी कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन आपके दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होती है, तो इनकी बात कर लेते हैं। There are two part of a chemical reaction। तो एक जो आपका पार्ट है उसको बोला जाता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, स्टार्टिंग में आपके प्रेजेंट होते हैं और ये आपके केमिकल रिएक्शन में अंडरगो होते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और न्यू सब्सटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, दो सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। दो
सबस्टांसिस दैट अंडरगोज केमिकल चेंजेस the reaction are known as reactants. ठीक है, अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से बात करें तो यहाँ पे आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी है और दोनों के केमिकल चेंजेस से और इंटरेक्शन से आपका MgO बनता है. तो अगर हम ऊपर के एग्जाम्पल से बात करें, एग्जाम्पल फ्रॉम आपका Mg एंड O2R रिएक्टेंट्स, ये आपके रिएक्टेंट्स होंगे. ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, विच इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है. किसी भी केमिकल चेंज के बाद जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है. किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है, वो आपका होगा प्रोडक्ट. The new substance form after the completion of a reaction known as product. The new substance formed during a reaction known as product is known as product. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें, तो आपका जो ये होगा MgO, ये आपका न्यूली फॉर्म कंपाउंड था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा. MgO इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जानना चाहते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो जो सब्सटेंस आपके इनिशियली प्रेजेंट होते हैं, जो केमिकल चेंजेस लेके आते हैं, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, एंड जो आपके न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट बोला जाता है. और यहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन ख़त्म होता है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, ये और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये हमने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया.